गंदे ही नहीं हुए थे तुम लोग, होके हमें धोते ही जा रहे हो, धोते ही जा रहे हो, धोते ही जा रहे हो। यार कोई इतनी बड़ी विक्ट्री लेते, 317 रन से हरा दी है, जो कि मेरे ख्याल में भी ओडीआई का रिकॉर्ड बन चुका है। सबसे बड़ी विक्ट्री अगर किसी टीम ने ली है तो वो इंडिया ने ली है। 317 रन के, 317 रन, इतनी तो हमारी टीम एक इनिंग्स भी नहीं बना सकती भाई। इंडिया दुनिया के कोई ये जिम्बाब्वे की टीम नहीं थी, वेस्ट इंडीज की टीम नहीं थी, या कोई एसोसिएट मेंबर नहीं है। ये अभी चैंपियन होके आई है, एशियन चैंपियन, जहाँ पे इंडिया फाइनल में नहीं खेल पाया, और उनके खिलाफ इतने रन करना, और मतलब आपने आउटराइट करके फेंक दिया और बोल दिया खत्म हो गया ये कॉम्पिटिशन जो आज बन चुका है ना। इट इज नॉट अबाउट सेंचुरीज, इट इज नॉट अबाउट परसोना। विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, विराट कोहली एक पूरा पैकेज है। किसी को अगर कम्पीट करने का शौक है ना विराट कोहली से, तो विराट कोहली की जैसी अर्ज पैदा करें, विराट कोहली जैसी हंगर पैदा करें, विराट कोहली जैसी पर्सनालिटी पैदा करें, तभी जाके वो विराट कोहली के साथ खड़ा हो सकता है। वरना आज मैं एक बात खत्म कर दूं सारी, इस तरह से जो है बॉलर के पीछे जाएगा। लेकिन आज तो ये हाल था विराट कोहली का कि उसने मतलब आखिरी ओवर में तक नहीं बख्शा भाई उसको कुमार उसको भी। मेरे दिल में बस एक ही अरमान है भाई, काश ये श्रीलंका की जगह ये पाकिस्तान होता ना। अरे भाई साहब जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके भाई का चैनल कली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। दोस्तों बात करें तो तीसरे वनडे मैच की, जिसमें विराट कोहली ने किंग कोहली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली गोट ने शतक जड़ दिया। 166 रन की शानदार किस्म की विराट कोहली ने पारी खेली, जिस पारी को देख पाक मीडिया के पैरों तरह जमीन खिसक गई। पाक मीडिया ने विराट कोहली के तारीफों के तारीफ, तारीफ पर तारीफ करते चले जा रहे। पाक मीडिया ने कहा हमारा बाबर सब ये वो सब फला, सब कागजी किंग है, घंटे के किंग है, रियल किंग तो विराट कोहली है। और पाक मीडिया ने विराट कोहली की क्या क्या तारीफ की, विराट कोहली के बारे में क्या क्या कहा देखिए आप इस वीडियो में। लेकिन विराट कोहली तो सच में किंग किंग ही होता है, और ओडीआई फॉर्मेट में तो विराट कोहली के सामने कोई आ नहीं सकता। जिस तरीके से विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट खेलते हैं, और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ेंगे, इस पर पाक मीडिया ने क्या क्या कहा देखिए मजेदार वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। और श्रीलंका वाले भी ये कह रहे हैं कि यार हम तो अभी तक गंदे ही नहीं हुए थे, तुम लोग होके हमें धोते ही जा रहे हो, धोते ही जा रहे हो, धोते ही जा रहे हो। यार कोई इतनी बड़ी विक्ट्री लेते, 317 रन से हरा दी है, जो कि मेरे ख्याल में भी ओडीआई का रिकॉर्ड बन चुका है। सबसे बड़ी विक्ट्री अगर किसी टीम ने ली है तो वो इंडिया ने ली है। 317 रन, इतनी तो हमारी टीम एक इनिंग्स भी नहीं बना सकती भाई। इंडिया दुनिया की वही टीम बन चुकी है जिसने 300 से भी ज्यादा रन का मार्जिन लेकर हरा दिया किसी टीम को। एक तो बड़े लड़के लेके तुम लोग खेल रहे हो, ऊपर से वो छोटे छोटे बेचारे यंग से श्रीलंकन जाए में उनको सांस लेने का मौका नहीं दे रहे यार तुम लोग। और सब बड़े बड़े लड़कों के अंदर ने सबसे आगे आगे भाग रहे वो विराट कोहली भाग रहा है। मतलब 160 रन बना दिए तूने भाई, पहले 100 रन तो फिर भी जैसे भी उसने बनाए, 100 रन के बाद ही असली उसने पेस पकड़ी है। छक्के चौके तो उसके बाद मारना शुरू किए, हमारे वाले 100 बना के ना बिल्कुल रिटायर हो जाते हैं, रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं। कोई लंगड़ाना शुरू है, किसी को सांस चढ़े हुए, किसी के मुंह से खून निकल रहा है, बुरी हालत हुई हुई है, वैसे भी रिलैक्स रहते हैं कि बस ठीक है सेंचुरी मार दी, टीम के अंदर जगह तो पक्की हो चुकी है। बॉय ने 100 के बाद ही असली इनिंग्स के लिए जो अगले पता नहीं 66 रन बनाए, मार मार के मार मार के। और सबसे हैरत 391 का टाइटल, और कोई ये जिम्बाब्वे की टीम नहीं थी, वेस्ट इंडीज की टीम नहीं थी, या कोई एसोसिएट मेंबर नहीं है। ये अभी चैंपियन होके आई है, एशियन चैंपियन, जहाँ पे इंडिया फाइनल में नहीं खेल पाया, और उनके खिलाफ इतने रन करना और इतनी बिग डिफीट देना, ये बड़ी बड़ी विक्ट्री है इंडिया की, बड़ी विक्ट्री होगी रन के ऊपर। हाँ जी, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है मुझे कहना, लेकिन विराट कोहली जो अनइमेजिनेबल जो कंट्रोल है इनके पास गेम को, ये पूरे एक साइड पे कर देते हैं जो मैच को, तो आई पर्सनली फील के ये वन डे इंटरनेशनल के बहुत आगे के खिलाड़ी हैं, इवन एज कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर। या डीप मिड विकेट हो या स्क्वायर लेग पे हो, जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे या चौके मारे, एक फ्लो लग रहा था, ये बड़े अरसे के बाद ये फ्लो नजर आया। वैसे सेंचुरी तो की है, लेकिन आज बड़े मनमानी बैटिंग के ऊपर जवाब था कि यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब आपने आउटराइट करके फेंक दिया और बोल दिया खत्म हो गया ये कॉम्पिटिशन जो आज बन चुका है ना। इट इज नॉट अबाउट सेंचुरीज, इट इज नॉट अबाउट परसोना। विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, विराट कोहली एक पूरा पैकेज है। किसी को अगर कम्पीट करने का शौक है ना विराट कोहली से, तो विराट कोहली की जैसी अर्ज पैदा करें, विराट कोहली जैसी हंगर पैदा करें, विराट कोहली जैसी पर्सनैलिटी पैदा करें, तभी जाके वो विराट कोहली के साथ खड़ा हो सकता है। वरना आज मैं एक बात खत्म कर दूं सारी जिंदगी के लिए कि विराट का कॉम्पिटिशन सिर्फ विराट से खुद है। बिल्कुल, और प्रोफेशनलिज्म, मतलब आप जो दो चीजें और भूल गए वो मैं आपको बताती चलूं कि विराट कोहली जैसा प्रोफेशनलिज्म और शायद
पैशनेट डेडिकेशन, क्योंकि जिस तरह की डेडिकेशन जो है वो विराट कोहली ने दिखाई है, उसकी डेडिकेशन मेरे ख्याल से अनमैच्ड है, लिटरली अनमैच्ड है। बट ऑब्वियसली हम कुलदीप भी बोल रहा होगा यार मैंने तो विकेट लिए, मेरा नाम क्यों नहीं ट्रेंड कर। रोहित शर्मा कह रहा होगा यार मैं कप्तान हूं और मेरी कप्तानी में 317 रन की रिकॉर्ड मार्जिन विक्ट्री आ गई, मेरा नाम क्या। इंडिया बैटेड, इंडिया ने पहले बैटिंग का जो फैसला किया उसमें विराट कोहली जिस तरह से 166 रन किए 110 बॉलों पे, मतलब यार 8 छक्के 13 चौके, उससे तो बिल्कुल ही उनका भूस भर दिया, मार मार गया। और मतलब इट वाज अ सैवेज इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली। विराट कोहली से आप मतलब इस टाइप की इनिंग्स की उम्मीद नहीं करते कि वो इस तरह से जो है बॉलर के पीछे जाएगा, लेकिन आज तो ये हालत है विराट कोहली का कि उसने मतलब आखिरी ओवर में तक नहीं बख्शा भाई उसको कुमार, उसको भी उसने 18 रन आखिरी ओवर में लगा दिए, 2 छक्के लगा दिए। तो विराट इनिंग्स वाज रियली सैवेज टुडे एंड अ डिलाइट टू वॉच यार, मजा आ गया उसकी इनिंग देख के। शुभमन गिल ने भी 116 किए, अच्छी इनिंग्स खेला वो भी, और लेकिन शुभमन की जो इनिंग्स थी ना वो मतलब जैसे पार्ट्स में थी। एक दो ओवर्स के लिए वो बहुत तेज खेल रहा था, जैसे उस फॉर एग्जांपल एक ओवर में उसने छठे ओवर में गालिबन उसको कुमारा को 4 चौके लगा दिए, फिर रुक जाता था, लेकिन विराट तो जैसे ही आया उसने जो सेकंड बॉल या फर्स्ट बॉल फेस की उसने वो जो उसने कवर ड्राइव मारा है चौके के लिए, उसके बाद उसने फिर जो उसको वेंडर ऐसे को जो लेग स्पिनर है उसको उसने एक ओवर में 2 चौके लगाए, ही जस्ट इन टेक हिज फुट ऑफ द पेडल, तो वो तो बढ़ गया था। मतलब 85 बॉल में 100, उसके बाद 110 बॉल में 166 नॉट आउट, कमाल इनिंग्स थी है। एंड 46 ओडीआई 100 फॉर विराट कोहली, जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में कहा भाई मेरे दिल में बस एक ही अरमान है भाई, काश ये श्रीलंका की जगह ये पाकिस्तान होता ना, अरे भाई साहब मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है, मेरे अंदर क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, क्या ये मेरे अंदर जो है वो अजीब अजीब से बॉलीवुड वाली फीलिंग आ रही है कि भाई एक मैच हो जाए ओडीआई का पाकिस्तान के साथ भाई क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है सारी। कल तक तो मैं बोल रहा था कि उनके साथ खेलना ही नहीं हमने, लेकिन अभी ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि एक में एक आठ हो ही जाए भाई पाकिस्तान के साथ हमारा ओडीआई भाई जब इंडिया ने अपनी बैटिंग खत्म की, उन्होंने टारगेट बना दिया, तो पाकिस्तान वाले ये सोच रहे थे कि चलो यार हम थोड़ा डिनर विनर कर लेते हैं और डिनर के बाद फिर आराम से बैठ के फिर मैच देखते हैं श्रीलंका वाले क्या करते हैं। अब जो पाकिस्तानी आके मैच खोल रहे हैं देख रहे हैं मैच तो खत्म हो गया भाई, असंभव। विनिंग बाय अ मैसिव मार्जिन, 317 रन से इंडिया टीम जीती है और श्रीलंका की टीम को मारा है। दुनिया के क्रिकेट में इतिहास लिख दिया है इंडियन टीम ने कि इतने बड़े मार्जिन से कभी और कोई टीम नहीं जीती है, लेकिन इंडियन टीम वन द गेम द थर्ड ओडीआई विद एन इमैकेबली हाई टारगेट, मतलब कि 317 रन से मैच जीतना, दैट इज अनबिलीवेबल। अमित राजपूत जुड़े, हाय अमित, हाउ आर यू। लेकिन शायद लोगों जो अभी लोग आके बात कर रहे हैं, और मैंने कुछ महीनों पहले बात की थी एशिया कप से पहले मेरा है सचिन तेंदुलकर, नो डॉट लेजेंडरी क्रिकेटर, इंडिया के वर्ल्ड के लेजेंडरी क्रिकेटर, उनके बहुत करीब आ गए हैं, 100 उनके करीब कर दिए हैं, 166 रन किए आज 110 बॉल के अंदर, जहराना अंदाज से बैटिंग करी, ओडीआई क्रिकेट में जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं अनबिलीवेबल। किंग कोहली ने वाकई आग लगा दी है श्रीजीत जी, आग लग, लोग जो बातें कर रहे थे ना कंपैरिजन की कि भाई उससे कंपेयर करो, कोहली के बराबर अभी तक कोई दुनिया का प्लेयर नहीं आता। जिस लय से दोस्तों मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहा है, लग रहा है कि मोहम्मद सिराज वर्ल्ड कप में भी इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, और साथ में जो हमें न्यूजीलैंड के साथ भी हमारी सीरीज है उसमें भी मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, और किंग कोहली का तो बल्ला रुकेगा ही नहीं, क्योंकि अब तो किंग कोहली के मुंह खून लग गया है, विराट कोहली अब रुकने का नाम नहीं लेंगे और शतक के शतक जड़ते जाएंगे, और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड एक ना एक दिन तो विराट कोहली ज़रूर तोड़ेंगे, और किंग कोहली तो किंग कोहली, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और दोस्तों साथ में मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने श्रीलंकाई बैट्समैनों की कमरी तोड़ दी और श्रीलंका को नाबूद कर दिया। और दोस्तों मोहम्मद सिराज ने क्या ही शानदार किस्म की बॉलिंग की, और कुलदीप यादव ने उनका साथ निभाया,
और मोहम्मद सिराज ने बुमराह की कमी इंडिया को खलने नहीं दी। उन्होंने 4 विकेट लिए, 5 विकेट ऑल नहीं ले सके, अनलकी रहे, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त किस्म की मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की और इंडिया ने श्रीलंका को सिर्फ 74 रन पे ऑल आउट कर दिया और यह सीरीज श्रीलंका को वाइट वॉश कर दी और अपने नाम कर ली। और कुलदीप यादव ने जिस तरह से श्रीलंकाई कैप्टन सनाका को आउट किया दोस्तों, क्या ही बॉल था वो, जिस तरह से उस बॉल ने टर्न लिया, जिस तरह से बॉल अंदर आया, सनाका डिफेंस करने गए और बॉल सीधा पड़ के अंदर गया और सनाका की गिल्लियाँ उड़ा दी। और किंग कोहली ने जिस तरह के छक्के मारे, चौके मारे, जब विराट कोहली बैटिंग करते हैं तब देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, मैं तो विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और पूरी दुनिया इसी वजह से विराट कोहली की फ़ैन है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत स्टे ट्यून्ड।